मैंने कहीं सुना था कि चॉकलेट खाने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। पूरी चॉकलेट खत्म हो गई लेकिन अभी तक एक अक्षर नहीं पढ़ पाया। 80 रुपए की चपत लग गई, पैसा बर्बाद। खैर, अब पढ़ने का मन तो करने रहा है, तो सोचा आपको एक कहानी सुना लेता हूँ। तो चलो आपको एक सफर में ले चलता हूँ। 3, 2, 1। तो भैया हम पहुंच चुके अपने कॉलेज। अब आप एक बात खुद सोचो यार, कॉलेज को डायरेक्ट कैसे पहुंच सकता है? आपने एक बात तो सुनी होगी, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो आपको ना मंजिल से पहले सफ़र देखना पड़ेगा, और सफ़र शुरू होता है यहाँ से। मेरे दिन की शुरुआत होती है अलार्म की इरिटेटिंग रिंग के साथ। वैसे उसे बंद करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन मेंटल पीस के लिए उसे जैसे तैसे बंद करना पड़ता है। फिर लुढ़क लुढ़क के मैं स्विच तक पहुँचता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ। फिर उसके बाद सबसे मैंडेटरी काम, क्यों तुम नहीं करते? फिर उसके बाद रगड़ रगड़ के दांत साफ करो और अपनी गंदी शक्ल को पानी से साफ करो। फिर उसके बाद तैयार होना, फिर थोड़ा पेट पूजा करना, और बींगा गढ़ वाली चाय पीना तो सबसे जरूरी है। फिर सामान पैक करो और फिर जूते पहन के अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ो। मेरे पास कॉलेज जाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाओ। फिर दूसरा, आप अपनी प्राइवेट व्हीकल यानी कि 2-व्हीलर जो कि मेरे पास है उससे चले जाओ। या फिर तीसरा, आप कॉलेज बस से जाओ। अब यार, पहला ऑप्शन इज़ क्वाइट बोरिंग, सेकेंड ऑप्शन आप ऑलरेडी दलाई हिल्स वाली वीडियो में देख चुके हो, तो इस टाइम वी विल गो बाई बस। तो भैया हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज, और अब वीडियो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। वैसे कॉलेज में मेरा ऐसा कोई फेवरेट स्पॉट है नहीं खास, लेकिन जिस गेट से आपने अभी मेरी एंट्री देखी उस गेट से सबसे पास पड़ता है बास्केटबॉल कोर्ट। तो क्यों ना वीडियो वहीं से शुरू की जाए। भाई अभी तक हम थे बास्केटबॉल कोर्ट में। आपको एक बात बता दूं कि आप जो सिनेमैटिक्स देखोगे वो इस दिन के नए हैं, वो पिछले फ्राइडे के हैं, और आज मैं सिर्फ ब्लॉगिंग पर्पज से आया हूँ यहाँ, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ बोला नहीं था। इनसे मिलो, ये हमारे मनीष भाई और ये हमारे भाई प्रियांशु। भाई हेलो गाइस, तुम कुछ बोलना चाहोगे? भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत ही मेहनत कर रहा भाई वीडियो बनाने में, लाइक करो शेयर करो। और प्रियांशु भाई तुम बोलना चाहोगे कुछ? मैं आपसे कहूँगा कि विपिन भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार। तो अभी हम जाएंगे कैफेटेरिया, और अब आप हमारा कैफेटेरिया देखें और फिर मिलते हैं बाद में। कैफेटेरिया हमारे कॉलेज का यूनिवर्सल स्पॉट है। नहीं समझे? मैं ही समझा देता हूँ। क्लास बंक करो तो कैफेटेरिया, पढ़ाई करने का मन ना हो तो कैफेटेरिया, भूख लगी हो तो कैफेटेरिया, और कोई दोस्त खोया हुआ हो ना तो उसे ढूंढने के लिए सबसे पहले कैफेटेरिया जाना, क्योंकि कैफेटेरिया की वाइब्स ही कुछ ऐसी है यार।
और अगर बात की जाए कि कैफेटेरिया में खाने का किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है, तो इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जैसे मुझे देख लो, मेरे सारे दोस्तों को पसंद है पास्ता वगैरह, नूडल्स, मोमोज, ये सब। लेकिन अगर मुझे कभी कोई कहे कि क्या खाए ग्रामोला, मैं बस एक ही बात बोलता हूँ, या तो आलू के पराठे या फिर राजमा चावल। और अगर आप ग्राफिक करा आए और आपने राजमा चावल ट्राई नहीं किया ना, तो क्यों ग्राफिक करा आए। बाय द वे, जिस दिन मैं सिनेमैटिक्स बनाने कॉलेज आया था ना, उस दिन एक और चीज़ हुई। मेरे दोस्त कैफेटेरिया में अपने भुजाओं का बल दिखा रहे थे, नहीं समझे? अरे वन आर्म रेसलिंग यार, खुद ही देख लो। जा, 1 2 3 गो। A few moments later. हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत प्यारी होती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें प्यारी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक है खाना और एक है चिल। खाने की बात तो हमने बहुत कर दी, अब आप सोच रहे होंगे यार कॉलेज में चिल प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे कॉलेज में बहुत सारे चिल प्लेसेस हैं, जैसे कि, अब आप कहोगे यार इतने सारे चिल प्लेसेस कैसे, क्योंकि बात ऐसी है भैया, कॉलेज में ना जगह मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि आप हो किसके साथ। Oh my God! Wow! आप ग्राफिक करा में आओ और फोटो ना खिंचाओ, ऐसा हो सकता है क्या? और अगर नहीं किया तो आए क्यों, सारे पैसे तो इसी बात के हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बाय द वे, जो लोग ये वीडियो कॉलेज के बाहर से देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे कॉलेज में 5 फ्लोर हैं। वैसे तो मैं लिफ्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार कि जब कॉलेज दिखा ही रहा हूँ तो लिफ्ट भी दिखा दूँ। तो हमने सोचा कि आपको जब कॉलेज दिखा ही रहे हैं, थोड़ा लिफ्ट भी दिखाते हैं। हाँ भाई, तू भी देख। तो ये जालियाँ हमें ना हमेशा से बहुत सस्पिशियस लगती थी भयंकर, मतलब समझ में नहीं आता किस पर्पज से है। एनीवेज, हमें अभी अपने कॉलेज की 5th फ्लोर पे लिफ्ट से यहीं हमारे डायरेक्ट आए, और यहाँ से सीन्स कुछ ऐसे हैं। अब एक बात तो सबके साथ होती है, हर किसी के कॉलेज लाइफ में हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट क्लास, फेवरेट ग्रुप या फेवरेट सेमेस्टर होता है। अब यार इन 3 सालों में हम सिर्फ 7 महीने कॉलेज गए थे, तो ऑब्वियसली यार वो था हमारा 1st सेमेस्टर। तो यार अभी हमें 4th फ्लोर CR501, और इस क्लास से हमारी बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़ी है, क्योंकि हमारी 1st सेमेस्टर की क्लासेस यहीं हुई थी। उसके बाद तो खैर यार इन 3 सालों में हम सिर्फ 8 महीने कॉलेज आए, तो उनके 6 महीने यार और बाकी दूसरी क्लासेस में। और हमारी 2nd सेमेस्टर की क्लास चली थी इसी के आगे की साइड, यहाँ से कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, हाँ मतलब बाहर निकल के दिखाता हूँ। तो वैसा मतलब यही हमारी सबसे यादगार क्लास थी। कोई देख रहा है अगर मेरे 1st सेमेस्टर के दोस्तों में से यार, तो शेयर करना और ये क्लास ज़रूर दिखा देना स्क्रीनशॉट लेकर सबको। तो इस तरफ हुआ करती थी हमारी 2nd सेमेस्टर में क्लास, और यहाँ भी हम जा रहे हैं लिफ्ट पकड़ने, क्योंकि हमें जाना है 1st फ्लोर। कॉलेज का नाम सुन के बच्चों के मन में सबसे पहले जो बातें आती है वो होती है दोस्त, फन, मज़े, फ्रीडम, ये सब। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो सोचते हैं वो थोड़ा अलग है। वो सोचते हैं हमारे बच्चे कॉलेज जाके पढ़ाई करेंगे, थोड़ा अपना करियर पे फोकस करेंगे और थोड़ा बहुत फन भी कर लेंगे। तो अब जब मैं आपको कॉलेज दिखा ही रहा हूँ, ऐसे में मैं आपको लाइब्रेरी ना दिखाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो अब वो भी देख लो। तो अब जब फ्रीडम वर्ड मैंने वीडियो में यूज़ कर ही लिया, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप कॉलेज टाइम पे कॉलेज से बाहर भी निकल सकते हो। मैं लाइब्रेरी में ज़्यादा कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए, लाइब्रेरी बस मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए गया, और जिस किताब के लिए मैं गया ना वो वहाँ थी। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में कोरा ही कोरा। गाइस, ग्राफिक करा हिल यूनिवर्सिटी में आंसू गैस छोड़ दी गई है। तो मैंने लगभग आपको पूरा कॉलेज दिखाई दिया है, तो ग्राउंड फ्लोर बचा है उसको भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अपने तरीके में। तो ग्राउंड फ्लोर की कहानी कुछ ऐसी है। एक मिनट यार, अकेले बोलने में मज़ा नहीं आ रहा यार, कोई साथ में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। कहानी कुछ ऐसी है, अब ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर में
सीन्स कुछ ऐसे हैं। कॉलेज का सफ़र तो आपने लगभग देख ही लिया, तो अब इतना आगे आ ही गए हो वीडियो में, तो अब घर जाने का सफ़र भी देख ही लो। यहाँ देखो, यहाँ मिनी बाढ़ आ रखी है और बस जूतों की कुर्बानी। अब फिर कुछ दिन कॉलेज की छुट्टी। देखो मैं यहाँ जंगलों में रहता हूँ। इस वीडियो को आगे बढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये वीडियोग्राफी करके ऊपर थी और अब मैं घर पे हूँ। अब ये हो मेरा हो चुका है, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, अब ग्राफिक करा हिल यूनिवर्सिटी तो मैंने आपको दिखाई दी, अब मैं हूँ ही देहरादून का रहने वाला। अगर आप चाहते हो मैं डीम्ड के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ ऐसे ही, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीज़न, हिट द लाइक बटन और कमेंट करके अपना थॉट आप बता सकते हो। आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर सकते हो, और पसंद नहीं आई तो एक बार फिर से देखो, फिर पसंद आ जाएगी। ठीक है, बाकी 8 अक्टूबर वाली बात आप सबको पता है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाने पे ध्यान दो। आप देख सकते हो अभी कितने हैं, और 8 तारीख तक 2000। अगर 2000 हो गया यार, तो आपके लिए बहुत ही तबाही चीज़ आने वाली है, तो वो तो सरप्राइज़ में पता चलेगा अगर हुए तभी। तो दबाओ सब्सक्राइब और शेयर करो, बांटो इस वीडियो को एक दूसरे के पास, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। दिस इज़ विपिन चंद्रमोला साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सायोनारा, एडियोस, बाय बाय, टेक केयर। अब वीडियो बना के बनते हैं, बाकी ऊपर लेना, ऊपर लेना। आई वांट फोटो सेशन।